नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मेट पाया था, न आज मेट पाया, न कभी भविष्य में मेट पाएगा, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान उनके आन बान शान के लिए, क्योंकि किसान इस देश की धरोहर है और जब तक किसान है तब तक ही किसी देश की कल्पना की जा सकती है। देश की अर्थव्यवस्था किसानों के हाथ में और किसानों की बात न हो तो फिर चैनल चलाना ही बेकार है। किसान साथियों, इस समय पर आलू के माहौल को लेकर काफी आपाधापी का माहौल बना हुआ है। एक और जहां पर सोनू चौधरी जैसा दिग्गज यूट्यूबर आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान और आपका आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने के लिए केड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है, तो वही सोनू चौधरी के इस सपने को और इस सोच को उसी के सहयोगी यूट्यूबर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोनू चौधरी ने इस साल ऐसे लोगों से अपनी दुश्मनी बोल ले ली है जो कि कभी सगे हुए थे, हुआ करते थे। किसान साथियों, आलू आपका जिस रफ्तार से शुरुआत से खेतों से चला था उसी रफ्तार से एक अनुमान था कि आलू जो है अगस्त सितंबर में 2000 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा भी छू जाएगा, और किसान साथियों ये छू भी जाता। लेकिन चूंकि एक कहावत हमारे ब्रज भाषा में चरितार्थ हो जाती है कि सबसे ज्यादा राग बिगाड़ने वाले अपने ही होते हैं, और अपनों से हमेशा सचेत रहना चाहिए। ये कब किसको नीचा दिखा दें और दूसरे की चापलूसी करने लग जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति 3-4 महीने से गायब रहा, न तो आपको जानकारी दिया न कुछ दिया, उस व्यक्ति ने आप लोगों के जब आलू के रेट बढ़ने लगे तुरंत ही आकर एक ऐसा वीडियो डाल दिया जिसका ना कोई कोट था ना कोई छोर था, और फिर मंदड़ियों ने इसे एक अवसर के रूप में ले लिया और उसे इतना प्रमोट कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन प्रकृति जिसके साथ हो उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा झूठ ज्यादा दिन तक तो नहीं चल सका, खैर यही है। और जिस व्यक्ति द्वारा ये वीडियो डाली गई थी उस व्यक्ति ने दोबारा से उस खेतों में जाने की हिम्मत तक नहीं की। क्यों? इस सवाल का जवाब आप उसी व्यक्ति से पूछिए जिसने ये वीडियो डालकर आप लोगों के अंदर एक घबराहट फैलाकर मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के साथ साथ कोल्ड मालिकों और आड़तियों का भला कराने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। क्या वो व्यक्ति अब वीडियो डाल सकता है? कथा भी नहीं डालेगा। किसान साथियों, इस समय पर अगर आलू में तेजी है और अगर हम आप लोगों को तेजी बता रहे हैं, यदि किसी मंडी में बैलेंस साफ हुआ है और किसी मंडी में तेजी बनी है या मंडियों में स्थिरता आई है, तो ये सुनकर खुद किसान जो कि आलू बेच चुके हैं वो भी बोरा जाते हैं और जो किसान विरोधी लोग हैं वो तो बोरा ही जाते हैं। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को हाथरस जनपद के मुरसान के एक रायक गाँव में स्थित एक कोल्ड स्टोरेज की वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। यहाँ पर किसानों द्वारा कोल्ड मालिक को उनके मनमार की, क्योंकि मंदड़ियां हैं, किसान विरोधी लोग हैं, ये कोल्ड मालिक तो कभी नहीं चाहेंगे कि इनका आलू किसानों का तेज दरों पर बिके, तो उन्होंने कृत्य ऐसा कर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कोल्ड मालिक ने किसानों ने जब आलू नहीं दिया तो टेम्परेचर डाउन कर दिया, गैस बंद कर दी और किसानों का हजारों पैकेट आलू जो है बर्बाद हो गया, और इससे किसानों को एक बहुत बड़ी चोट इस कोल्ड मालिक ने दी है। किसानों द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। वायरल वीडियो का हालांकि हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आई है उससे एक और इस कोल्ड स्टोरेज पर किसान विरोधी होने का धब्बा भी लग गया है। किसान साथियों, न मैं और न हमारा पूरा चैनल की टीम इस वीडियो की पुष्टि करती है कि किस कोल्ड स्टोरेज की है, ये सिर्फ किसानों द्वारा बनाकर वीडियो वायरल की गई है। इसे आप जो है अपने स्तर से देख लीजिए किस कदर कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों का शोषण करने के लिए आमादा है। देखो भैया, ये विश्वनाथ कोल्ड स्टोर को सीन हो आलू को, विश्वनाथ कोल्ड स्टोर को मालिक को आलू चला, कोई मशीन चला रहा बहुत जोर से बर्फ जम रही है जी आलू पे,
ये अजीत चौधरी बड़ा भाई ने को लोट हुए और अजीत चौधरी को काम है पूरा चैम्बर को हालो जे ना 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 अजीत बड़ा का खाली बस एक लोट बता। अरे पूरे चैम्बर बैठे गो यारो तुम तो जाम नौकरी कर रहे हो जाम कर रहे हो मुनीम मैनेजर है भैया जी मुनीम मैनेजर कह रहे हैं कि हमारे कोल्ड की विश्वनाथ ही बदनामी मत करो पूरे का जय हाल है। नहीं सेल किए हैं क्या? नहीं मैंने अभी कुछ नहीं सेल किया है लेकिन मेरा अभी माल अंदर ही रखा है सारा। कितने कट्टे हैं पैकेट मेरे? करीब करीब हैं इसमें 6,000 साढ़े 6-7 हज़ार छह सात हजार कट्टे हैं 7,000 कट्टे भी अंदर। तकरीबन कितने का माल होगा मोटा मोटा? मोटा मोटा कम से कम मान लो करीब करीब 70-80 लाख रुपए 70-80 लाख रुपए का माल है और उसका सबका यही हाल है पूरा माल उपजा हुआ पड़ा है लेकिन किसानों की तरफ कुछ नहीं सोचा जा रहा है कि कुछ किसानों का क्या हाल है। आपके कितने कट्टे रखे? मैं पिछली साल ही लेके आया हूँ मैं अभी और सगरो भी जो उपजा हूँ अब बेवे की काली खेत में कचू आलमी ना है वो तो मैं खावे हूँ गेहूँ बेहू तुम खावे तुम। तो वीडियो देखने के बाद में किसान साथियों अब इस बात से आप स्पष्ट हो गए होंगे कि ये लोग कभी भी आलू आपका तेज नहीं बिकवाना देना चाहते। और सोनू चौधरी अगर तेजी की बात करता है तो सोनू चौधरी के लिए कई बार जो है उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसान साथियों आज मैं आप लोगों को किसान विरोधियों का एक और चेहरा बेनकाब करने जा रहा हूं क्योंकि देखो सीधी सी बात है यदि किसानों को 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा हो अगर उनका आलू 1,800-2,000 रुपए प्रति कट्टा बिक भी जाए तो तुम्हारी क्यों सुलगती है। लेकिन किसान साथियों ऐसे लोगों की बुरी तरीके से सुलग रही है क्योंकि आज की डेट में निकासी और परसेंटेज की बात करें तो बोले बहुत ज्यादा स्तर पर है। अगर हम इसी स्थिति को देखकर अगर हम किसान साथियों बात करते हैं तो देखो हमारे यहाँ पर कल भी अच्छे रेटों पर सौदे हुए थे और आज भी अच्छे रेटों पर सौदे हुए हैं खंदौली सादाबाद में शमशाबाद तो आप जान ही रहे हैं यानी कि 1400 रुपए से लेकर 1500-1550 रुपए की दर पर आज भी हमारे यहाँ पर 37-97 साउथ क्वालिटी टॉप के सौदे जो हैं हुए हैं। मीडियम 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए की दर पर किसान साथियों बिके हैं। गुल्ला आज गुल्ले में भी यहाँ पर तेजी देखी गई और लेकिन जैसे ही हम ये तेजी दिखाते हैं तो देखो जिनकी औकात नहीं है आलू खरीदने की और जो कभी अपने कोल्ड में आप लोगों का आलू तेजी में भी 1500-1600 नहीं बिकवा पाए उनकी बहुत बुरी तरीके से सुलग जाती है। और साथ ही किसान साथियों ऐसे लोगों के बारे में और क्या कहा जाए। आज जैसे ही एक रिपोर्ट विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर जो है वायरल की गई तो इनका किसान विरोधी चेहरा चाहे ये आढ़तियां हो चाहे व्यापारी हो चाहे कोल्ड मालिक हो आज मैं सबको नंगा करूंगा। आज की जो निकासी थी उसमें कृषि जो कि हमारे ही एक आगरा के रहने वाले किसान हितैषी कोल्ड मालिक उन्होंने डाला था आजकल आलू भाव को लेकर सभी चिंतित हैं लेकिन यहाँ पर मैं अब ये बता देना चाहता हूँ कि आलू के भाव अवश्य बढ़ेंगे घबराएं नहीं। अगस्त 2024 तक 56% की निकासी हो चुकी है। वर्ष 2024 में भंडारण 80% ही हुआ था तो बीज निकासी 20% होगी और इन्होंने लिखा नीचे इस बार आलू की बुआई क्षेत्रफल में ज्यादा होने की संभावना है और इन्होंने लिखा है ला नीना के प्रभाव से इस बार सितंबर से लेकर अक्टूबर तक भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है जिसके कारण सितंबर में अगैती फसल नहीं लगने से नवंबर में कहीं कोई आलू की फसल नहीं आएगी और जो भी आलू बचा हुआ है चाहे वो 4% हो 10% हो वो सब जो है अपने इज्जत से बिकेगा और अच्छे भावों पर बिकेगा। जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो मंडियों की तो आग लग गई और किसान साथियों आग ऐसी ही नहीं लगी एक बहुत बड़े स्तर पर लगी। ये कोल्ड मालिक भी हो सकते हैं व्यापारी भी हो सकते हैं और आढ़तिया भी हो सकते हैं और देख लीजिए मैं इनका नंबर सही से दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये है ऐसे तुच्छ लोगों की मानसिकता। देखिए एक कह रहा है थोड़ा सब्र करो हकीकत सामने आने वाली है। दूसरा कह रहा है अभी 200 रुपए पैकेट और नीचे जाएगा आलू। तीसरा कह रहा है फिर उसके बाद किधर जाएगा। फिर रिपीट मार रहा है वही आदमी उसके बाद 500 के 2 पैकेट में और देखिए हिजड़ों की तरह दांत फाड़ रहे हैं सबरे। अब ऐसे लोगों से आप क्या कल्पना कर लोगे। ये एक ग्रुप नहीं है ये हजारों ग्रुप हैं जहां पर सिर्फ किसान विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों की जमा पूंजी किसानों की मेहनत को लूटने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और किसान साथियों देख लीजिए इसको और नंबर भी आपके सामने है। अगर आप में से कोई जिंदा दिल किसान हो तो कॉन्टेक्ट करके इनको सुना जरूर देना। किसान साथियों इसके साथ ही बात करेंगे दिल्ली की आजादपुर मंडी में बैठे हुए डकैतों की क्योंकि डकैत बहुत बड़े निर्लज्ज किस्म के हैं और धौरे दौर पर लूटते हैं। दलाली आजादपुर मंडी में बड़े ही चरम पर है
यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद यानी कि अपना किसानों को बर्बाद करने का जनसिद्ध अधिकार समझते हैं। किसानों का आलू उनकी उपज के अनुसार नहीं देकर मनमाने रेटों पर बेचते हैं और फड़ों पर दुल्हन जैसा पहाड़ सजा लेते हैं और बताते हैं कि ये देखो फड़ पे इतना हो गया, ये इतना हो गया। किसान साथियों, ये फड़ पर जितना भी बैलेंस है ना, ये आड़तियों द्वारा ही मंगाया जाता है, क्योंकि आड़ती ही आप लोगों को बाध्य करते हैं। जब आप लोग फोन करते हैं, चाहे वो आप व्यापारी वर्ग से हो, कोल्ड मालिक से हो या हो किसान, और जब जैसे ही आप इन पर फोन करते हैं तब ये कहते हैं हम आपका आलू 1200-1300 रुपए में बिकवा देंगे और आलू भेज दो। जैसे ही आप आलू भेजते हो तो फिर इसका जो है रेट, जो रेट आप लोगों को बताया होता है वो रेट ये चोर नहीं देते हैं, और जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ता है। अब इन चोरों के बारे में और क्या कहा जाए, ऐसे लोगों की वजह से जिनका कभी बाप जो है ठेल ढकेल लगाता था, मतलब 10 कट्टे मंडी से लेके रेहड़ी पटरी लगाता था, और वो आज जो है बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे हैं। किसानों को अगर किसी ने इस वर्ष बहुत बड़ा शोषण किया है किसान साथियों, वो दिल्ली के आढ़तियों ने किया है। हालांकि कुछ दिल्ली के आढ़तियां बढ़िया भी हैं, जो कि मतलब न तो वो किसी भी अखबार में आना चाहते, नहीं जो है टीवी चैनलों पे और नहीं यूट्यूब चैनलों पे। उनका एक ही मोटिवेट, एक ही मकसद होता है किसानों का आलू तेज बिके। लेकिन कुछ जो श्रीचंद है, जो कि एक मोटा पैसा इसमें से मारते हैं, उन्होंने तो किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। और किसान साथियों, ठेका भी ऐसा नहीं ले रखा है, ठेका भी एक बड़े स्तर पर ले रखा है, जिनमें यूट्यूबर काफी लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी गाड़ी अपने आड़त पे जाके तीन से चार गाड़ी बेच ली और मंगा लेंगे 8-8, 10-10 गाड़ी, और उसको फिर फड़ों पर उतरवा के दुल्हन की तरह सजा लेंगे कि कोई मुंह दिखाई में आ जाएगा तो पैसे ले लेंगे। और इससे सिर्फ नुकसान इन्हीं का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। आज ये जो है जितना भी किसानों का शोषण कर लें, लेकिन अगली बार किसान इनके झांसों में आने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि दूसरी जगहों पर आलू बेच लो, हमारे यहाँ से ले जाके, तो इसका मतलब क्या है? ये खुद ही चाह रहे हैं कि देश की मंडियां खराब हों। और ये लोग जो है पूर्ण रूप से दलालों के ठेकेदार हैं, मंत्रियों के ठेकेदार हैं। यहाँ पर सिर्फ किसान विरोधी बातें की जाती है, ना कि किसान हितैषी। अपनी मंडी में औकात नहीं है 80 गाड़ी बेचने की, और बात करते हैं साउथ की, और बात करते हैं कि ये जो है कोल्ड स्टोरेज में आगरा अलीगढ़ में हो रहे सौदे फर्जी हैं। साउथ में जाके तो देखो साउथ में क्या स्थिति है, साउथ में क्या रेट मिला है, तुम्हारे पैंट तक गीले हो जाएंगे। साउथ में वो स्थिति है, किसानों को बरगलाने का और किसानों को लूटने का तुमने ठेका ले रखा है यूट्यूबरों के सारे, और यूट्यूबर भी बड़े बेशरम हैं। क्योंकि देखो वीडियो में शुरुआत में कहेंगे, हम तो यही किसानों से कहेंगे कि आवकें थोड़ी धीरे करें, और वही यूट्यूबर जो हैं एक एक आड़त पर गाड़ियां लगवा देते हैं 4-4, 8-8, और आड़ती तो है ही है महानुभाव। तो कुल मिला के हम यूट्यूबरों को भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कोड़ के सांप हैं जो कि अब कहना नहीं चाहिए। किसान सर, इन आस्तीनों के सांपों के बारे में ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। साउथ में आज की डेट में भी आलू जो है 37-38 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं, और इसी वजह से आगरा, खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद, टूडला, यहाँ पर सौदे जो हैं काफी हाईएस्ट रेटों पर हो रहे हैं। आज की बात कर लेते, कल तो छोड़ो, आज जो है आपके 8 सितंबर 2024 हो गए, आज टूडला में जो है 1350-1400 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हुए हैं, और ये आउटर है खंदौली का, और जबकि खंदौली और सादाबाद में यही सौदे 1500-1500 की दर पर है। शमशाबाद जो कि 302 के नाम गढ़ के नाम से देश भर में विख्यात है, सुपर सिक्स जिसे बोलते हैं, हालांकि हाइब्रिड प्रजाति में आता है, लेकिन आलू का रेट सुनकर हर कोई चौंक जाता है। क्या ये सौदे जो हो रहे हैं ये आपकी मंडियों से दाम नहीं आ रहे होंगे? निश्चित आ रहे होंगे, और कोई भी कोल्ड मालिक ऐसा नहीं है जो जितना का सौदा हो रहा है उसकी जो है रजिस्ट्री नहीं कर रहा हो, टोटल रजिस्ट्री करके तो अगर उसमें होती है। और अरे अकल के दुश्मनों, तुम ये भी तो समझो, अब तुम्हारे लिए कितना रोया जाए कि तुम जो है किसानों का किस कदर जो है शोषण कर रहे हो। चार जो आलू मंडियों में किसानों का 20 और 22 रुपए किलो तक बेचकर तुम जो है हिजड़ों की तरह दांत फाड़ रहे हो, और वही बाहर जाकर आउटर साइड में जाके मंडी से बाहर जाते 50 रुपए किलो की दर पर मजदूर और गरीब मतलब खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है, जिस गरीब और मजदूर का नाम लेकर तुम क्या सरकार को गुमराह कर रहे हो, सरकार को भी धूल में आंखों में धूल झोंक रहे हो, और जन क्या क्या बोल रहे हो,
वो भी आज मजदूर गरीब और मजदूर रह गए, 50-60 रुपए किलो तक आलू खा रहा है दिल्ली में। शर्म करो, और किसानों को किस कदर तुम जो लोग जो है लूट रहे हो, दौरे दौर पर लूट रहे हो। और ये यूट्यूबरों को भी शर्म नाम की चीज नहीं है, साले चाय उन्हीं के चिलवन के पास में पहुंच जाएंगे जो जिनकी औकात पैरों की धूल की तरह बनना है। एक है देखो सुबह नहीं पहुंचे वो तो बुआ तुका है, देखो गिनती सोमवार मंगल बुध तो चार हमने वही कर लेगा, फिर रिपीट में वही आ जाएंगे। इन्हें और कोई दिल्ली में वो ना मिले, 150 आड़त है दिल्ली में, लेकिन जाएंगे उन्हीं के पास में, क्योंकि माटिया किसान विरोधी बात होते हैं, किसानों का शोषण किया जाता है, किसानों को दौरे दौर पर लूटा जाता है, और तो किसानों के माल को कबाड़ा बताया जाता है, किसानों के बारे में अंदर डर बैठाया जाता है कि आलू का ये करो आलू का वो करो। और इन लोगों की मानसिकता आप किसी से छुपी हुई नहीं है, ऊना होशियारपुर के नाम से इन लोगों ने डराया कि ये होगा वो होगा। अरे इन धूर्तों को ये देखना चाहिए कि ऊना होशियारपुर है क्या, अच्छे अच्छे मिल गए धूल में, ये तुम क्या चीज हो। और अभी जिस उसका तुम हल्ला मचा रहे हो ना कि ये हो गया वो हो गया, 26 तारीख की वीडियो साला हम देखते देखते परेशान हो गए, और इतनी भयंकर बारिश होना होशियारपुर में कहीं भी 1% भी आलू नहीं लग रहा है, और किसानों के अंदर कि आलू लग गया तो कल लगाए आज पानी लग गया परसों आ जाएगा बेच लेना ससुरों। सालों तुम्हें कोई जूते मारने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर वो जैसा होता तो मैं रोजाना छटका है वहां जाके कि क्या कह रहे हो आलू लग गया और आ गया। अगर एक खेत में किसी ने आलू लग गया होगा तो वो पूरी दिल्ली की पूर्ति कर देगा, समझना चाहिए, लेकिन समझते देख रहे। अब किसान साथियों कई लोगों ने तो हसन के नाम पर भी हल्ला उड़ा दिया था कि हसन ये हो गया हसन वो हो गया, कहाँ है हसन, कुछ दिखाई दे रहा हसन पत्र का, कहाँ गई कब आई कब गई कुछ पता चला नहीं। किसान साथियों अगर आलू में सोनू चौधरी ये बता रहा है कि तेजी आएगी और तेजी आप लोगों को मिलती रहेगी, तो इन लोगों की सुलग जाती है, और सुलग भी बहुत अच्छी तरीके से जाती है, क्योंकि सुलग सुलगाने में तो सोनू चौधरी माहिर है। और किसान साथियों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये हमारे जो ये है ना चिलुआ यूट्यूबर अगर ये नहीं होते ना या यही एकजुट होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसान साथियों आपका आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्ठा बिक रहा होता, इतनी मुझे हायतौबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहें कहीं ना कहीं किसान साथियों मेरे ही जो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ना आप लोगों के हित में, उसे अगर कोई धूमिल कर रहा है तो ये यूट्यूबर ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। पहले हमने देखा था कि एक मेरा विरोध करता था, बहुत ज्यादा विरोध करता था, जब इतना अनाप शनाप करता था, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा तो है कि मैं तेरे साथ हूँ, आलू चाहे 1800 ना बिके लेकिन पुराने रेटों पे तो आ जाएगा, किसान उसी में खुश हो जाएंगे, तू अपनी बातों पे अड़ा रहे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम जो व्यक्ति मेरा विरोध करता था आज वो साथ तो खड़ा है, लेकिन कोई यूट्यूबर मेरे साथ खड़ा है बताइए? आज अगर हम इस रिपोर्ट को दे रहे हैं कम से कम उस बात का समर्थन तो करता है, चाहे छींटा कसी वो कितनी भी कर ले मेरे ऊपर, लेकिन दिल में तो उसके वही है कि 1800-2000 रुपये के कट्टे के दाम किसानों को मिल जाए। भाई हर एक आदमी चाह रहा है किसानों को रेट मिल जाए, लेकिन नहीं चाह रहे तो ऐसे लोग नहीं चाह। अब किसान साथियों ज्यादा मैं क्या कहूँ, बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने तो आप लोगों के लिए वो सारे प्रयास किए हैं, और देखो मैं तो सीधा इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ क्योंकि आलू हमेशा हल्ला से बिकता है, रूमर से बिकता है, 50% मंडी का डिमांड होती है और 50% रूमर के उस हिसाब से बिकता है। अगर यदि मैं आज 2000 रुपये कट्टा का या 2400 रुपये प्रति कट्टा का हल्ला मचा रहा हूँ कि आलू ये होगा आलू होगा, तो कम से कम आप लोगों को धैर्यवान और संयम तो बरतना चाहिए, क्या पता इसके पीछे मेरा कोई लॉजिक हो, क्या पता मेरा कोई लॉजिक हो, लेकिन आप लोगों को क्या है कोई किसी ने छींटा कसी कर दी, अरे 2000 रुपये कट्टे वालों ये देख लें आलू की बुवाई चल रही है, ये जो 1800 कह रहे हैं वो ये देख लें कि कन्नौ जो बुवाई हो रही है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी ना और होता है ना छोर होता है, बस मैं तो बस अपनी टिप्पणी से मतलब होता है। लेकिन किसान साथियों मैं तो धन्यवाद दूंगा जिस व्यक्ति ने मेरा पिछले साल लगातार विरोध किया था, और अभी भी एक महीना पहले विरोध किया था, थोड़ा एक दो दिन किया था ज्यादा नहीं, लेकिन आज वो व्यक्ति मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। तो इससे आप समझ लीजिए कि अगर कोई तुम्हारे हितैषी है तो बस यही है, चाहे छींटा कसी कितनी भी हो, लेकिन सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई चल रही है। अब आलू की बिक्री करना या नहीं करना यह आप लोगों के ऊपर निर्भर, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर लॉजिक को समझिए और खूब अल्लाह मचाइए, और अगर मेरे साथ नहीं है तो फिर अपने आलू को बेचिए, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि आलू तो अपना बेचते नहीं है और खामा खा के हल्ला करते रहते हैं, अरे इसकी वजह से हो गया उसकी वजह से हो गया, ये कौन है, ये वही लोग हैं, तो मैंने फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए ये वो लोग हैं
क्योंकि आप लोगों का आलू तेज नहीं बिकने देना चाहते। अरे भाई निकासी अच्छे परसेंटेज पर है, बीज भी अभी निकासी होगी, तो अब जब आलू शॉर्ट हो रहा है और देश भर में भारी बारिश हो रही है, हरी सब्जियों की उत्पादन पर फर्क पड़ रहा है, हरी सब्जियां नहीं लग रही है, नया आलू जो है तिलकता वो लेट हो रहा है, और साथ ही त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है, और इसके साथ ही एक लंबा स्पेल भारी बारिश का भी अभी आना बाकी है, तो इससे आलू की खपत और उसके टेम्परेचर बढ़ोतरी गिरावट होने से और भी बढ़ेगी। अब इधर जो है गुजरात की भी निकासी रिपोर्ट आ गई, CIPC का आलू जो है 50 लाख के कट्टे के आसपास रह गया, और दूसरा टेम्परेचर डाउन होने से अब जो है फ्लैक्स है, चिप्स है, भुजिया है, इस सब की जो है फैक्ट्रियों में जो है वो बनावट शुरू हो गई, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नजदीक है, तो सभी जो है स्नैक्स वगैरह जो है बना रहे हैं कंपनियों में, तो CIPC भी खत्म हुआ, और दूसरा जो आपका जो है राशन आलू वो भी 1 करोड़ के आसपास रह गया है, तो अब 1 करोड़ के पैकेट जो है वो बस इसी महीने के हैं। तो कुल मिला के तेजी नहीं बल्कि तेजी आनी है, साउथ की डिमांड कितनी है इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट भी रखने जा रहा हूँ, जिससे आप भी कहेंगे सोनू भैया हो सकता है 2400 भी बिक जाए, लेकिन कभी इस गुमान में मत रहिएगा कि सोनू भैया 2400 का अल्लाह बचा रहा हो तो 2400 ही बिक जा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक हवाबाजी है। किसान साथियों देखिए पहला मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे द्वारा आप लोगों के सूचना कुछ जो है ECAGF मॉडल, EPS, GFS और GPS मॉडल, जो कि भारतीय मौसम विभाग से संबंधित हैं, वो निकाले हैं, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर 10 दिन का टोटल प्रोटेक्शन दे रखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले में EPS, दूसरे में GFS और तीसरे में GEPS, तीनों ही मॉडल जो हैं उत्तर प्रदेश से लेकर नॉर्थ इंडिया तक भारी बारिश जो है अगले 10 दिन में दिखा रहे हैं, यानी 10 तारीख से लेकर 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में। इसके साथ ही किसान साथियों देखो एक ये मॉडल है, यहाँ पर ये मॉडल जो है सेम वही दिखा रहा है, लेकिन ये मॉडल में यहाँ पर आप खुद देख लीजिए बंगाल की खाड़ी में जो डीप डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है वो जो है इफेक्ट कर रहा है सीधा नॉर्थ इंडिया को, और नॉर्थ इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से पूरे देश में सेंट्रल पार्ट, नॉर्थ पार्ट और जो है राजस्थान, दिल्ली, NCR, वेस्ट UP सब में जो है लगभग देखा जाए तो 9 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, ये जो है 25 सितंबर तक दिखा रहा है WGSF मॉडल। और इसके साथ ही किसान साथी देखो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो GFS मॉडल, जो कि 22 सितंबर का दिखा रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा WD, एक तगड़ा WD है जो कि पाकिस्तान के रास्ते भारत में दस्तक देगा, और जिसकी वजह से समूचे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दिल्ली NCR सहित वेस्ट UP के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश देगा। देख लीजिए ये GFS मॉडल है, और ये जो आपको जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये WD है, इसी से आप समझ लीजिए क्या तगड़ी कितना तगड़ा स्पेल होने वाला है। इसके साथ ही किसान साथियों मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है आपका अक्टूबर महीने का, अक्टूबर महीने में पूरे देश के ज्यादातर हिस्सों में पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी वो हो या गुजरात भी हो, गुजरात में थोड़ा कम है लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा है, बाकी देखो बारिश जो है काफी एक लार्ज स्केल पर है, आपको देखो येलो भी दिखाई दे रहा होगा और जहां पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है वहां पर लाइट रेन है, और जहां पर रेड दिखाई दे रहा है यानी रेड, तो इसका मतलब है इन एरिया में जो है भारी बारिश यानी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके साथ ही किसान साथी एक और मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि अक्टूबर 15 और 25 के बीच में आएगा, ये अभी से मैं बता दे रहा हूँ ECMWF और GFS मॉडल, ये दोनों ही मॉडल हैं और दोनों ही मॉडल जो हैं बंगाल की खाड़ी में जो है एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन सिस्टम जो है इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे 15 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपके बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में जो है भारी से अति भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान साथियों इन सभी मॉडलों को देखने के बाद में आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी किसान जो है अगेती आलू या अगेती से संबंधित कोई भी जैसे गाजर, मूली और हरी सब्जियों का बुवाई कर देते हैं वो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ताकतवर चक्रवाती तूफान जिसे यासीन नाम दिया गया है, जो कि चीन में, चीन के रास्ते और जो है चीन सागर और पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में जो है एक सर्कुलेशन सिस्टम का रूप ले चुका है, जो कि इंफॉर्मेशन कर रहा है आपके पंजाब के
लुधियाना को। तो ऐसे में यहाँ पर भारी बारिश जो है अभी 10 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक जो है देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप लोग बुवाई की सोच रहे हैं तो बुवाई भी मत कीजिए किसी भी फसल की। इसके साथ ही 22 तारीख को एक तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जो है इन्फोर करेगा आपका पूरे एरिया को। तो इससे भारी बारिश जो है 25 तारीख तक देखने को मिल सकती है। कुल मिला के आप ये समझिए सितंबर महीने में आपको बारिश पीछा छोड़ने वाली नहीं है और इससे आपकी उम्मीदों को और ज्यादा बल मिलेगा क्योंकि तापमान नीचे होगा और हरी सब्जियां या कुछ भी जो भी मार्केट में है उसकी अनुपलब्धता रहेगी, उसके दाम बढ़ेंगे। तो इससे ऐसे में कोल्ड स्टोर में रखे हुए आलू के दामों में भी बढ़ोतरी एक बड़े स्तर पर भी देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर महीने का जो प्रिडिक्शन है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अक्टूबर में 10 तारीख के बाद में बरसात जो है अपने चरम पर होगी। तो कुल मिला के भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 25 अक्टूबर के बाद ही बुवाई के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान लानिनों का इम्पैक्ट देश से खत्म होगा। साथ ही मानसून की विदाई 29 अक्टूबर को, यानी कि आप जैसे कि धनतेरस, इस साल धनतेरस 29-30 तारीख की पड़ रही है, तो ऐसे में वो धनतेरस के दिन जो है ये विदाई लेगा और उसके बाद में मौसम जो है फिर मानसून विदाई ले लेगा, उसके बाद में सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी। तो कुल मिला के आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी बनेगी और निश्चित तौर पर चूंकि 56% की निकासी है, 80% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं, तो आप लगा लीजिए 80 में से 56% अभी ये निकालिए और कितना बचता है उसमें से 20% बीज जाएगा, उसमें से जो बचेगा वो बचेगा 5-6% और 5-6% के लिए आपके पास में पूरा सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। और ऐसे में आलू में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकने की अपार संभावना है। तो कुल मिला के आप लोगों को घबराना नहीं है, आलू हमेशा रूमर से बिकता है और अगर आप में हिम्मत है तो रूमर बनाइए। और देखिए आप लोगों के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि आपका आलू जल्दी से जल्दी 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए और आप लोग जो है चैन की सांस लें कि हाँ भाई हो गया। तो ऐसे में आप लोग भी ये समझिए कि हमारे हाथ में हो तो हम अकेले 2000 रुपये प्रति कट्टा कर दें, लेकिन ये सब जो है एक तौर तरीके से होता है। मंडी में डिमांड आएगी, सप्लाई चेन चलेगी तो फिर आलू के रेट बढ़ेंगे। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आलू के रेटों में 300-400 रुपये प्रति कट्टा की संभावनाओं की नजर आ रही है, संभावना के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी भी उत्साहित हैं तो आढ़तिया भी उत्साहित है, लेकिन दलाल और किसान विरोधी लोग और किसानों के दुश्मन पूरी तरीके से मतलब बने हुए माहौल को बिगाड़ने के लिए एड़ी चोटी का झोल लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से निवेदन है, आप भी ईंट से ईंट बजा दीजिए और अपने रेट ले लीजिए। हमारा काम आप लोगों को आपके आत्मबल और आत्मसम्मान को जगाए रखना है ताकि आप किसी के चंगुल में ना फंसें और आप अपने आलू के अच्छे रेट ले लें। मैंने आपको शुरुआत में ही ये कहा है और अब भी ये कह रहा हूँ, मेरे हाथ में हो तो मैं कल ही कर दूँ, लेकिन समय है, समय के अनुसार काम करना पड़ता है। और आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, अगर वीडियो आपके यथार्थ किसी भी एंगल से लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस समय पर अनगिनत लोगों से जूझ रहे हैं जो कि नहीं चाहते कि आलू आपका तेज बिके। और कई ऐसे हैं जिनकी जाने अनजाने में हमसे दुश्मनी भी हो चुकी है, इसलिए कि आलू तुम तेज क्यों बताते हो, वो नहीं चाहते तेज बिके। और किसान साथ में यही कारण है कि आलू जो है 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा जो सितंबर में हो जाना चाहिए था उसके लिए हमें जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। वो धीरे धीरे टाइम जो है अक्टूबर सितंबर तक पहुंचता जा रहा है और हो सकता है अक्टूबर तक भी पहुंच जाए 2000 रुपये प्रति कट्टे के लिए। तो निश्चित तौर पर 2000 रुपये प्रति कट्टा तो बिकेगा, लेकिन ऐसे में कब बिकेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा प्रयास पूर्णतः जारी है और ये जारी रहेगा तब तक कि जब तक आप जो है संतुष्ट ना हो जाए। हालांकि संतुष्टि के लिए आज के रेट भी पर्याप्त है, कोई कम नहीं है, लेकिन इन रेटों से आप लोग काफी डिफीट खाए हुए हैं कि जो है आपकी उम्मीदें कुछ और हैं लेकिन रेट कुछ और हैं। हालांकि लास्ट ईयर से जो आप 3-4 सालों से देख रहे हैं उससे तो बढ़िया ही है कि भाई 600-700 बिकता था, आप जो है 1200-1400-1500 तक बिक रहे हैं, ये भी काफी अच्छे रेट हैं। कोई इन रेटों को हम जो कम नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों की उम्मीदों और आप लोगों की भावनाओं का ख्याल रखे हुए हैं ताकि आपको आलू के अच्छे रेट